आज मैं आपको लेकर आ गया भुवनेश्वर के फेमस साला पत्ता रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मिलता है केरला स्टाइल बैम्बू चिकन मटन, जिसको उड़िया मसालों के साथ तैयार किया जाता है। और इनका ये बैम्बू चिकन मटन खाने में इतना टेस्टी होता है कि जो भी एक बार इसको खाता है उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। तो चलिए आपको इनके रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इनके इस बैम्बू चिकन मटन को कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ साला पत्ता का स्पेशल बैम्बू चिकन बनने वाला है केरला स्टाइल। थोड़ा सा पहले नमक डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा धनिया, ये हो गया आपका साबुत जीरा धनिया, ये आपका हरा पुदीना, कस्तूरी मेथी, ये हो गया आपका करी पत्ता। तो देख सकते हो लहसुन को, देख सकते हो एक एक पीस में निकाल के यहाँ पे डाला जा रहा है और साबुत लहसुन भी इसमें जाएंगे जी। और मिर्ची भी देख सकते हो साबुत ही डाली जा रही है इसमें। इसमें हल्का सा चिकन मसाला, तो ये आ गया भाई चिकन मसाला। एकदम डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे बैम्बू चिकन बनाया जा रहा है, जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा, केरला स्टाइल में बनाया जा रहा है। ये आगे इनका स्पेशल मसाला, तो ये हम बना रहे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में। थोड़ा हल्का सा इसमें हम कट डालते हैं, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो ये आ गया भाई सरसों का तेल, थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीर चिली पाउडर, तो इससे रंगत अच्छी आ जाती है। जी जी भैया, ये हमारा केरला स्टाइल का एक सीक्रेट मसाला है। तो देखिए तो थोड़ा मोटा कूटा हुआ मसाला है ये जी, और काफी बढ़िया लग रहा है। अब इसको हम मैरिनेशन करेंगे। तो बैम्बू चिकन की अच्छे से यहाँ पे मैरिनेशन कर ली जाएगी, एकदम छोटे छोटे पीसेस में। जी जी जी, कट किया हुआ है बस, ये थोड़ा मैरिनेट करके हम रखेंगे। अभी तो डाल देते फिर यार, रखेंगे 40 मिनट, उसके बाद ये 40 मिनट में पक जाता है। ये अभी हमारा कंप्लीट है, अभी इसमें बाम्बू का अंदर हम डुकाएंगे। पहले बाम्बू लेते हैं और अब इसमें सरसों का तेल डाला जाएगा। तो इसमें कितना लहसुन जाएगा? 500 ग्राम में दो जाता है, दो लहसुन का पीस जाता है फुल, और 250 में एक लहसुन जाता है। तो ये बैम्बू कहाँ से आता है आपका? ये मार्केट से, दुकानदार से लाते हैं हम। पत्ते को देखो अच्छे से रैप कर दिया गया है और अब इसको अच्छे से यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। देखो चिकन को अच्छे से सील कर दिया गया है, अब इसको तंदूर में ले जाया जाएगा। अभी हम इसको तंदूर भाटी में जलाएंगे। कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? इसको 45 मिनट में लगेगा। 45 मिनट भैया, हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये साला पत्ता का स्पेशल बैम्बू मटन। बैम्बू मटन में पहले हम लोग मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, ये 500 ग्राम का हम बना रहे हैं। जैसे दो लहसुन देते हैं। तो मटन का बनाने के लिए थोड़ा मोटा बैम्बू चाहिए। हाँ, तो उसको किसी से रैप करेंगे? साल पत्रा। हाँ, इसको हम भाटी में डालेंगे अभी 45 मिनट से 1 आवर तक। बैम्बू में क्या क्या वैरायटी है? बैम्बू में सिर्फ बैम्बू मटन चिकन और प्रॉन होता है, और पनीर होता है, मशरूम होता है। तो फाइनली दोस्तों, हमारा बैम्बू चिकन बैम्बू मटन दोनों लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है तंदूर के अंदर। अब इसको यहाँ पे निकाल लिया जाएगा, तो गर्मा गर्म बैम्बू को यहाँ पे तंदूर से निकाला जाएगा। ये आपका बैम्बू मटन रेडी है भैया, ये आपका केरला स्टाइल वाला बैम्बू मटन रेडी है। ये अभी ओपन हो रहा है केरला स्टाइल वाला बैम्बू मटन। ये जल्दी क्या हो रही है? नहीं नहीं, फाइनली दोस्तों हमारा गर्मा गर्म बैम्बू मटन यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। हमारा बैम्बू चिकन यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इसमें कितना किलो है? 500 ग्राम 500 ग्राम, आधा किलो, आधा किलो। तो फाइनली भुवनेश्वर का फेमस बैम्बू चिकन बैम्बू मटन, और यहाँ पे उड़ीसा की इनकी मटन थाली यहाँ पे लगवा ली है। तो देखो तो ये इनका बैम्बू मटन, तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो एक एक पीस यहाँ पे लहसुन के देखो तो डाले गए हैं, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आपको फुल मिर्ची भी इसमें मिल जाएगी, और साथ में प्याज डाला है, काफ़ी सारे मसाले डाले हैं, और मटन देखो तो अच्छे से पक चुका है, और जो इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। साथ में देखो तो ये इनका बैम्बू चिकन, तो जैसा कि हमने बैम्बू मटन बनाया था सेम उसी प्रोसेस से बैम्बू चिकन भी बनाया गया था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। इसको पत्ते को सर्व किया गया है। तो देखो तो साबुत इसमें आपको लहसुन मिल जाएगा, जिसको लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है इनकी स्पेशल उड़िया मटन थाली, और देखो इसमें काफ़ी सारी आपको आइटम मिल जाएंगे। आलू सब्जी मिल जाएगी, मटन मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगा, दाल मिल जाएगी, करेला आलू सब्जी मिल जाएगी, बैंगन दही मिल जाएगा, राइस मिल जाएंगे, पापड़ मिल जाएगा, कबाब मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब इनका बैम्बू मटन टेस्ट करते हैं। तो मटन तो देखते हो काफ़ी अच्छे से पका हुआ है और बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वाकई में जितनी मैंने इनकी बैम्बू मटन की तारीफ सुनी थी, एकदम वैसा ही बना है, काफ़ी मसालेदार है। साथ ही साथ इसमें जो साबुत लहसुन डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, उससे इसका जो एरोमा है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो मुझे इनका जो बैम्बू मटन है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। बात कर लीजिए इसकी प्राइस, इसका प्राइस रहता है 680 रुपीज़। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा बैम्बू चिकन। तो देख सकते हो ये आपको थोड़ा लाइट दिखेगा कलर में, और ये भी काफ़ी अच्छे से पका हुआ है, चिकन काफ़ी जूसी लग रहा है। तो चलिए इसको लहसुन के साथ यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ। तो इनका बैम्बू चिकन भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, स्पेशली जो उसमें केरला के मसाले डाले गए हैं, और साथ ही साथ लहसुन के साथ जो उसका टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। तो मटन के मुकाबले आपको इसमें छोटे छोटे पीसेस मिल जाएंगे चिकन के, जिनको खाने में एकदम आसानी रहती है और खाने में मज़ा भी आता है। तो भैया आपके शॉप का टाइमिंग क्या रहता है? यहाँ हमारा साढ़े पत्र होटल सुबह 11 बजे खुलता है, कंटिन्यू चलता है, रात को 11:15 में बंद होता है। और वीक में कितना दिन ओपन रहता है? एनी टाइम ओपन है, 7 डेज ओपन है जी, कभी भी आ सकते हैं। एनी टाइम मटन भी मिलता है, मटन थाली यहाँ स्पेशल बनता है। तो यहाँ का नाम और एड्रेस बता दीजिए, उड़ीसा कहाँ पे? ये आपका भुवनेश्वर सौभाग्य नगर में साला पत्र रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट है। तो अगर आप भी उड़ीसा में रहते हो तो भुवनेश्वर आके इनका साला पत्ता रेस्टोरेंट में इनका बैम्बू चिकन, इनका बैम्बू मटन जरूर ट्राई कीजिए। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे मटन वाली उड़िया थाली मिल जाएगी, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो सारी की सारी चीज़ें इंडिया इट मीन से हाईली रिकमेंडेड है। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस रहता है 1/2 kg का 680 रुपीज़। आपको बैम्बू चिकन मिल जाएगा यहाँ पे 380 रुपीज़ का, और ये उड़िया थाली मिल जाएगी आपको 280 रुपीज़ की। तो इस बैम्बू चिकन मटन को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। Thank you.